जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। लीजिए, आज फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेके। इसे उपाय नहीं कहेंगे, ये जानकारी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मासिक शिवरात्रि है और ये सावन माह में पड़ रही है, इसलिए इसका अत्यंत ही महत्व है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कल शिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप सभी उसकी पूजा अर्चना अवश्य करेंगे तथा भगवान भोलेनाथ से मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैंने कुछ दिन पहले ही सावन के शुरुआत में ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने की सामग्री का वीडियो बनाया था। उम्मीद करती हूँ आप सबने उसे अवश्य देखा होगा। और उसके लिए कई सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ये सामग्री उपलब्ध नहीं है तो कैसे, क्या करें क्या नहीं करें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपकी उन्हीं उलझनों का समाधान लेकर आई हूँ। पहला क्वेश्चन था कि लोग कह रहे हैं जो 21 गेहूं के दाने चढ़ाने हैं तो हर जगह बड़े बड़े शहरों में गेहूं उपलब्ध नहीं होता है, तो हम क्या करें? तो दोस्तों, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर गेहूं उपलब्ध नहीं है, पहले तो आपको गेहूं ही ढूंढना है। अगर गेहूं उपलब्ध नहीं है तो आप गेहूं की जगह कोई भी अनाज के 21 दाने ले सकते हैं, जैसे मूंग, बाजरा या कुछ भी। चावल नहीं लेना है क्योंकि चावल तो आपको वैसे भी पूजा में यूज़ करना ही करना है, तो गेहूं की जगह आप चावल छोड़ के कोई सा भी अनाज ले सकते हैं, पर पहले गेहूं ही ढूंढें। और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि मिठाई कौन सी लेनी है। दोस्तों, मिठाई आप कोई सी भी लीजिए, कितनी भी लीजिए, अपनी हैसियत के अनुसार। आप अगर 100 ग्राम चढ़ा सकते हैं तो 100 ग्राम चढ़ाइए, 500 ग्राम चढ़ा सकते हैं तो 500 ग्राम चढ़ाइए, या जितने रुपए की भी, अगर आप 1,000 रुपये किलो वाली चढ़ाना चाहते हैं, अगर आपकी उतनी हैसियत है तो आप वो चढ़ाइए। अगर आप 100 रुपये किलो वाली की हैसियत है आपकी तो आप वो चढ़ाइए। भोलेनाथ आपका भाव देखते हैं, पैसा नहीं देखते। तीसरा क्वेश्चन रहता है कि अगर घर में 4 लोग हैं तो क्या 4 शिवलिंग बनेंगे? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, शिवलिंग आपको एक ही बनाना है, भले ही आपके घर में कितने भी सदस्य हों, एक शिवलिंग बनाकर ही सबको पूजा करनी है। हाँ, पूजा की सामग्री जरूर आपको अलग-अलग लेनी है। मैंने जो सामग्री बताई थी वो एक व्यक्ति के पूजा के लिए थी, तो हर व्यक्ति अपने हिसाब से वो सामग्री ले ले। जैसे मैंने 21 गेहूं के दाने, 5 कमलगट्टे और बाकी सबकी संख्या बताई थी, वो एक व्यक्ति के पूजन की थी, तो हर व्यक्ति अपने लिए उसी हिसाब से सामान खरीदे। अगर 5 कमलगट्टे एक के लिए बोला है और 4 लोग हैं तो 20 कमलगट्टे चाहिए होंगे, सबको 5-5 चढ़ाने हैं। और एक क्वेश्चन है सबका कि मिट्टी उपलब्ध नहीं हो रही है तो हम क्या करें? तो दोस्तों, अगर मिट्टी उपलब्ध नहीं हो रही है तो आपके घर में गमले तो होंगे, तो आप उस गमले की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वर्ण जाति धर्म के अनुसार अलग अलग रंग की मिट्टी का उपयोग किया जाता है, लेकिन क्योंकि शहरों में आसानी से मिट्टी उपलब्ध नहीं होती तो आप गमले की मिट्टी ले सकते हैं। गमले की मिट्टी, अगर उसमें बेल का पेड़ लगा हो गमले में तो अति उत्तम है, अन्यथा आप किसी भी गमले की मिट्टी ले, बस हाँ मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर का जूठन भी उसी गमले में फेंकते हैं और उसी जूठन से, उसी गंदगी वाली गमले की मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। और हाँ, अगर आसानी से गाय का गोबर, घी, गाय का दूध, कच्चा दूध और गंगा जल, शहद, ये उपलब्ध हो जाए तो उस मिट्टी में थोड़ा थोड़ा, दो दो बूंद, 3 बूंद, ये सब मिला लीजिएगा। इससे मिट्टी पवित्र होती है और शिवलिंग का निर्माण अत्यंत ही शुभ माना जाता है, ये सब मिलाकर। और एक क्वेश्चन और है जो सब बहुत पूछ रहे हैं कि 7 गुलाब के फूल उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करें? तो दोस्तों, अगर आपको 7 गुलाब नहीं मिल रहा है तो 1 गुलाब ही ले आइए कहीं से, उसकी पंखुड़ियां तोड़ लीजिए, पर 7 पंखुड़ियां भोलेनाथ को अर्पित कीजिए, लेकिन 7 होना चाहिए।
पर हाँ दोस्तों, एक बात और कहूँगी, अगर आपके घर में कोई फंक्शन होता है, शादी ब्याह, जन्मदिन या कुछ भी, और या आपको अपना गजरा बनाना होता है या कुछ भी माला बनानी होती है, तब तो आप फूल ढूंढ लेते हैं। लेकिन पूजन में आप कह रहे हैं कि फूल उपलब्ध नहीं है। अगर किसी की शादी हो रही होती है तो जयमाल के लिए तो आप पता नहीं कोसों दूर जाके भी गुलाब के फूल ले आते हैं। तो इसी तरह से तो भगवान को भी करिए ना। अगर आप भगवान को अपने से बढ़कर नहीं समझेंगे तो वो आपकी मुराद कैसे पूरी करेंगे? तो अगर आप अपने लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो भगवान के लिए भी करिए, क्योंकि वो आपका प्रयास अवश्य समझते हैं और देखते भी हैं। आप अपने साथ छल कर सकते हैं, उनके साथ नहीं। इसलिए अगर हो सके तो गुलाब के साथ पुष्प ढूंढ लीजिए, अन्यथा 7 पत्तियां ही काफी हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा कि शिवलिंग अंगूठे से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और हाँ, एक बात और कहूंगी, अगर आप सब ये पूजा ऑनलाइन करना चाहते हैं देखकर, तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं, वो कल शिवरात्रि के दिन शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग की पूजा करवाएंगे। तो आप सभी जो भी यह पूजा ऑनलाइन देखकर करना चाहता है, वो 7 बजे शाम को पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर रख ले और उनके साथ बैठकर ऑनलाइन पूजा करें। पर उसके पहले पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप कर लें और सामग्रियां तैयार करके रख दें। और अगर आपसे खुद से बनती है पूजा करते, पूजा की विधि आपको मालूम है, तो आप खुद से पूजा करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी, आपकी समस्या का समाधान प्राप्त हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप दूसरे का भला करेंगे तो आपका ईश्वर पहले भला करेगा।